श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 33वां प्रकरण ये समझाना चाह रहे हैं कि मूल मिलाव में बैठा करके ही ब्रह्मात्माओं को नश्वर जगत का खेल दिखाया है, इसलिए मूल मिलाव में उनकी हंसी करवाई, इस प्रसंग को समझा रहे हैं। अब देखो अंदर अरश के रुई बैठी 12,000। अब परम धाम के अंदर की बात देख लो, रंगमहल के जहाँ रुई बैठी 12,000, मूल मिलाव में ब्रह्मात्माएं 12,000 बैठी हैं, और वहाँ बैठे बैठे उतरी लैलत कदर में खेल देखना तीन तकरारा। तो खेल देखने के लिए नश्वर जगत में अवतरित हुई, तो नश्वर जगत के हिसाब से उसको एक रात्रि का समय दिया, लैलतुल कद्र। तो इसके तीन खंडों में अवतरित हुई है। वास्ते हांसी के मने किए, किया हांसी को दिल हुकुम। पहले तो अक्षराते धामधनी ने मना किया, किंतु अंदर से खेल देखने के लिए प्रेरणा दी। ब्रह्मात्माएं मांग करती है, ऊपर ऊपर से तो ना बोलते हैं, किंतु अंदर से कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तुम भूल जाओगे, ये होगा, वो होगा, वो तो बड़ा विचित्र प्रकार का है, तो ऐसा बोल देते हैं तो उनके उनका चाव बढ़ जाता है। तो ये कह रहे हैं, तो हंसी को दिल उपजिया, मांगया हंसी को खेल खसम। इसलिए राज्य को मन में ये हुआ कि इनकी एक बार तो इनको हास्य विनोद करवाएं, मांगया हंसी को खेल खसम। तो इसलिए ब्रह्मात्माओं ने भी अपने हंसी करवाने के लिए धामधनी से इस खेल की मांग की। ये देखो भौमताले की बैठा कम मिलावा जीत। ये प्रथम भूमिका की बात देखो, जहाँ मूल मिलाव में श्री राज जी के सामने ब्रह्मात्माएं बैठी हुई हैं। आप अरश में अरवाह को खेल मेहर कर देखावत। तो स्वयं धामधनी परम धाम में अपने चरणों में बैठा करके ही ब्रह्मात्माओं को कृपा पूर्वक उनके ऊपर कृपा भी कर रहे हैं, फिर भी तो एक बार उनको भुलाने के हिसाब से, हंसी करने के हिसाब से ये सब दिखा रहे हैं। तो ब्रह्मात्माएं तो हमेशा मांग करती है, यहाँ जाना है, उधर जाना है, जैसे राज्य पूछते हैं तो उसके हिसाब से ये कहती रहती है। तो उनके हिसाब की हंसी हास्य विनोद की बातें तो परमधाम में होती रहती है, कि जब लाल चबूतरा में बैठ करके पशु पक्षियों का खेल दिखाते हैं तो उस समय भी तो ब्रह्मात्माओं को बड़ी खुशी होती है। राज जी बोलते हैं ये देखो, ऐसे ही जहाँ कहीं भी हो तो उनको ऐसे आनंदित करते हैं। किंतु अभी ये है कि राज जी अपने हिसाब से करवा रहे हैं, तो उनकी उनका हास्य विनोद भी होगा बाद में, जैसे जागृत होंगे तो उसके बाद में तो उनको इतना वो हंसने लगेंगे तो हंसते हंसते पेट में दर्द भी हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे ज़्यादा हंसने लग जाएंगे तो ज़्यादा खुश होंगे तो भी पीड़ा होती है, तो वो बात कह रहे हैं। साहिब बैठे तखत पर खेलावत कर प्यारा। धामधनी सिंहासन में बैठे हैं और वहाँ बैठ करके
तो ब्रह्मा आत्माओं को ये खेल दिखा रहे हैं प्यार से। ये हंसी फरामोशी है कि कबो देखे ना बेसुमारा, ये ऐसी हंसी होगी तो ये भ्रम की, कबो देखे ना बेसुमारा, इसके जैसी हंसी कभी भी नहीं देखी होगी। उठ के गिरा गिरा पड़सी, फरामोशी हंसी के खेल, इस हंसी के खेल में, इस भ्रम के खेल में, तो खेल देखने के बाद ब्रह्मा आत्माएं उछल उछल करके गिरने लग जाएंगे। इतना उनको वो होगा, इतने उनको हंसी होगी, इतना वो हंसने लगेंगे, अरे हम क्या तो देख रहे थे और क्या कर रहे थे, हमें कुछ भी पता नहीं चला। इस तरह से उनको दुख भी होगा और साथ साथ में उनकी हंसी भी होगी, वो बड़े हंसेंगे भी और साथ साथ में दुख भी होगा, अरे हम तो धामधनी को ही भूल गए, फिर हमारा क्या रहा। ये जो तीनों तकरार के देखाया माए लैल, ये तीनों खंड लैल तो कद्र के तीनों खंड के खेल अक्षराते धामधनी ने इस प्रकार से दिखाया। क्यों कहूँ सुख रूहन के हकी यूँ कया उतरते, ब्रह्मात्माओं को धामधनी ने ये खेल में जाते हुए ये कहा, तो बड़े ये ब्रह्मात्माओं को पहले से सचेत किया, तो धामधनी कितना उनको सुख पहुंचाते हैं ये बता रहे हैं। जो कहता हूँ तुमको जिन भूलो खेल में, कह रहे हैं अभी भी मैं तुमको कह रहा हूँ तुम खेल में भूलना मत। क्यों कहूँ सुख रूहन के हक इन विधा हंसी करत, धामधनी इस प्रकार हंसी करते हैं, तो ये भी तो ब्रह्मा आत्माओं को इससे भी एक प्रकार से खुशी भी होगी और दूसरे प्रकार से दुख भी होगा, तो यह खुशी की बात कर रहे हैं। तो उनको उस समय कितना सुख होगा जब वह हंसते हुए गिर पड़ते हैं। आप देत भुलाए के आप ही जगाओ, तो दामदनी स्वयं उनको भुला देते हैं और स्वयं जगा भी देते हैं। क्यों कहूँ सुख रुहन के हके कौल से किए होशियारा, तो धामधनी इतना सुख दे रहे हैं उसके क्या बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने वचनों से उनको होशियार भी कहा किया, सचेत भी किया। दिल नींद दे ऊपर जगावत करने हंसी अपार, तो ऊपर से तो जगा रहे हैं और उनकी हार्दिक इच्छा है कि अंदर से वो नींद में वो कर रहे हैं और ऊपर से जगा रहे हैं। करने हंसी अपार, तो ब्रह्मा आत्माओं के बड़ी हंसी करनी है ना, अपार हंसी करनी है, इसके लिए वो उनके हृदय पर अज्ञान का आवरण डाल रहे हैं और ऊपर ऊपर से जागृत भी कर रहे हैं। खेल किया हंसी वास्ते, वास्ते हंसी किया फरामोश, तो ये खेल पूरा हंसी के लिए है और ये ब्रह्म हंसी करने के लिए ही है। वास्ते हंसी ऊपर पुकार ही, वास्ते हंसी न आवत होश, ऊपर ऊपर से जागृत भी कर रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, तो वो भी उनकी हंसी करने के लिए, हमने तो तुम्हें इतना जगाया इतना सब किया फिर भी तो तुम्हें कुछ पता नहीं चला, तो ये कहने के लिए, इसलिए हंसी ज़्यादा हो उसके हिसाब से होश नहीं आ रहा है। बाकी तो राज्य जगाना चाहें और होश ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। आप फरामोशी ऐसी दई जो भूली हाँ आप हक घर, धामधनी ने ऐसी विस्मृति दिलाई, ऐसा अमोहक आवरण डाल दिया कि ब्रह्मा आत्माएं अपने आप को भी भूल गई, धामधनी को भी भूल गई और परमधाम को भी भूल गई। ऊपर कई विधा कहे कहे थके पर जाग न सके क्यों कर, तो धामधनी ऊपर से तो जगा रहे हैं सदगुरु के माध्यम से, किंतु किसी भी प्रकार से ब्रह्मा आत्माओं को नींद नहीं जा रही है, वो जागृत नहीं हो रहे हैं। ऐसी दारू ल्याय रूह अल्लाह जासु मुर्दा जीवता होए, धामधनी ऐसी दवा ले आए जिसमें मरा हुआ व्यक्ति भी हो ना तो वो भी जीवित हो सकता है, यथार्थम ज्ञान। पर फरामोशी न हंसी की उठ न सके कोई, किंतु ये विस्मृति की नींद ऐसी है, भ्रांति की नींद, भ्रम की नींद ऐसी है, तो इसमें ये दवा पीने के बाद में भी कोई उठ नहीं पा रहा है। इन विधा हंसी न जाए कही, हंसी के विषय में इस प्रकार कहा ही नहीं जा सकता, करोड़ों प्रयत्न करके जगाने पर भी
कई दारू उपाय कर कर थके, दिल अठौ रखे हुए न आवत, तो कई प्रकार से जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, दवा भी पिला रहे हैं, और फिर भी ब्रह्मात्माओं को अंदर से ना विश्वास ही नहीं हो रहा है, दिल ठौरक क्यों ही ना आवता। तो दिल का ठिकाना तो क्या तात्पर्य, हृदय में विश्वास नहीं हो रहा है। हाँसी होशी अति बड़ी ए खेल किया वास्ते इन, तो ब्रह्मात्माओं के लिए ये खेल किया है, अथवा तो ये कहें कि ये हंसी करवाने के लिए ये खेल हुआ, इसलिए हंसी तो इसी बात की होगी। अवलिया लीला दोस्त कही, अवलिया वली का बहुवचन अवलिया होता है, तो वली बोलते हैं खुदा के मित्र, उनको कुरान में वली कहा है, अरबी में परमात्मा के साथ मित्रता करने वाले, लीला परमात्मा के लिए बोलते हैं, लीला ऐसा होता है। तो वो ये वली क्या है, परमात्मा के दोस्त है, दोस्त कहलाते हैं। ब्रह्मात्मा ऐसी है, सब राज्य के साथ में तो दोस्ती रखने वाली है ना, पर बल न चलिया इतकिन, किंतु माया में किसी की भी ताकत नहीं रही कि वो धनी के साथ में दोस्ती रख सके। हाँसी इसी बात की, फिर होशी ये हाँसी इसी बात की है कि ये बार बार होती रहेगी, तो जगाने पर, जागृत होने पर भी फिर भी सो जाएंगे, ऐसी ऐसी है। उठा उठा गिरा गिरा पड़ सी वक़्त जागने के, जब जागने का समय आ जाएगा, जब जाग जाएंगे तो उस समय तो ये सारे दृश्यों को देख करके क्या क्या हुआ था ये समय जान करके ब्रह्मात्माएं तो इतने हंसने लगेगी, अरे आपने क्या देखा दिया, हम तो कहाँ कैसे भूल गए, ऐसा करके वो लोटपोट होकर के हंसेंगी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। आपन को फरामोश की निदाय निहायत, तो हमें सचमुच निहायत का मतलब निश्चित, हम लोगों के ऊपर में ये फरामोशी की नींद आई है, भ्रम की नींद है। अरस अजीम में कूदते कछु चलिया नह कसमित, परम धाम में तो हम अच्छी दौड़ा दौड़ी करते थे, हम भूलेंगे ही नहीं, ऐसा बोल करके बार बार उछल कूद कर ही रहे थे, किंतु माया में, माया को देखने लगे तो यहाँ पर कुछ चली नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तो धामधनी के सामने कुछ भी नहीं चला। अरवा हमेशा अरस की कहावे खास उमत, जो परम धाम की आत्माएं हैं वो सचमुच ब्रह्मात्माओं का विशिष्ट समुदाय कहलाता है, पर कछु बल चलिया नहीं ना तो रखते हक निश्वत, इतना विशिष्ट आत्माओं का समुदाय होने पर भी उनकी शक्ति, उनका बल कहीं नहीं चला, नहीं तो कभी अक्षराते धामधनी को भूल कर नहीं रहते, उनके साथ संबंध बनाए रखते। हंसते उठसी ऐसी हुई न होसी कब, तो ब्रह्मात्माएं जब जागृत होंगे तो उस समय उनको पता चलेगा, तो अरे हम तो कैसे, क्या हो गया, ऐसा करके उस समय हंसते हुए उठेंगे, ऐसा कह रहे, उठने के बाद ही हंसेंगे वैसे तो। ऐसी हुई न ऐसी कब, न तो ऐसी कभी हुई थी और न कभी भविष्य में होगी, ऐसा उनको लगेगा। हक हंस हसी आपन पर ऐसी हुई जो हंसी अब, तो अक्षराते धामधनी अब हमारी हंसी करेंगे, जब जागृत होंगे ना, जागृत होने पर उनको ये सारा ख्याल आएगा कि अरे हम तो कहाँ भूल गए थे, तो ऐसा लगेगा, तो अब धामधनी हमारे ऊपर कितने हंसी करेंगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, तो इस प्रकार इनको लगेगा। कई हंसी खुशहाली अरस में करी मीनो मीने रूहन, इस प्रकार परम धाम में ब्रह्मात्माओं ने, अब ये तो क्या है कि वो उस दूसरी परम धाम की लीलाओं के संदर्भ में कह रहे हैं, कई हंसी खुशहाली अरस में, परम धाम में ऐसे हंसी खुशी की, हंसी विनोद की लीलाएं बहुत की, करी मीनो मीने रूहन, परस्पर ब्रह्मात्माओं में ऐसी चर्चाएं भी बहुत हुई है, पर ये हंसी ऐसी हुई सी जो हुई नहीं कोई दिन, किंतु ये हंसी है, ये खेल देखने के बाद में जब जगेंगे तब ऐसी हंसी होगी कि ऐसी कभी हुई नहीं थी। इति दिन हंसी खुशहाली करी रो दिल चाहिए, अभी तक तो ब्रह्मात्माओं ने अपने इच्छा अनुसार तो हंसी खुशी की बात कही की,
मतलब परमधाम में हास्य विनोद की बातें की है। ब्रह्मात्माओं ने चाहकर हास्य के खेल बहुत किए परमधाम में, पर ए हास्य दिल हक चाहिए। किंतु ये दुनिया में दुनिया का खेल दिखा करके हास्य होगी नहीं, ये तो राज्य के चाहने पर है। ताथे बड़ी हास्य हुई है इसलिए ये बड़ी हास्य कहलाएगी। रू अपने इन मेले से जुदी करो जिन खिन, इसलिए कह रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं अपने मिलन से कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मात्माएं जो थोड़ा बहुत भी पता चलता है कि हम परम धाम के हैं तो उनको हिल मिल करके रहना चाहिए, उनको अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो ये कहते हैं तो तुम अलग मत रहो, न्यारी नमक न हो सके। जो है अरवा मोमिन जो ब्रह्मात्मा होंगे तो वो दूरी नहीं बनाएंगे, एक दूसरे से निकटता बनाएंगे, संबंध बनाएंगे। इन ठौर ए मिलावा जिन जुदा जाने आप, ये इस खेल में भी नश्वर दुनिया को देख रहे हैं तो इस समय भी वो मूल मिलावा ही कहलाएगा। जिन जुदा जाने आप, जब परमात्मा अपने आप को दूर नहीं मानेंगे ना तो सब एक दूसरे से अरे हम तो साथ के एक ही घर के तो हैं, ऐसा जब भाव होगा तो ये दुनिया में भी ये धाम का ही अनुभव होगा। इत ही तेरी क्या मत याई ठौर मिलाप, तो यहीं आत्मा में जागृति आएगी और यहीं ऐसे मूल मिलावा की तरह से एक दूसरे से मिलने का अनुभव भी होगा। तो इसलिए ये दुनिया में ही मूल मिलावा का अनुभव होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे। इसलिए ब्रह्मात्माएं होंगी तो उनको कभी भी एक दूसरे की दूरी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का खराब नहीं सोचना चाहिए, किसी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए, तो सब मिलजुल करके रहना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं ऐसा ब्रह्मात्माओं का आचरण होना चाहिए। हकहादि इतही असलुतन, तो वैसे देखा जाए तो राजश्यामा जी तो सामने ही तो हैं और असली तन पर आत्मा है वो भी सामने ही है, वो कहीं दूरी है ही नहीं। तो ब्रह्मात्मा सचमुच बैठी तो मूल मिलाव में ही है, भूलने के कारण ही ऐसा दिख रहा है, तो यथार्थ में वो दूर है ही नहीं। खोल आँखें इतरुआ की ए तेरा बक्का वतन, जैसे ही आत्मा की आँख खुल जाएगी तब लगने लगेगा कि अरे तो तुम तो परम धाम में ही तो बैठे हो। ए ठौर नजर में लीजिए लगने न दीजिए पल, इसलिए इस मूल मिलाव को हमेशा अपनी दृष्टि में रखना चाहिए, एक पल के लिए भी इसमें विलम्ब नहीं करनी चाहिए। कौल फैले या हालसों, देखा कहाँ से असल मन वचन कर्म, इस इनसे इतने तन्मय होकर के मूल मिलावा का चिंतन होना चाहिए कि हम तो मूल मिलाव में ही, ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो ये समझना चाहिए देखा कहाँ से असल धामधनी हमारी यहाँ से करवा रहे हैं, तो ये समझ करके सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। इत देख फिर तू अपने रूह की आँखा खोल, अपने आत्मदृष्टि को खोल करके ना तो बार बार मूल मिलाव के इस दृश्य को तुम देखो, तो मूल मिलाव में ही ऐसा अनुभव करो। कर कुर्बानी आप को आए पहुँचा क्या मत कौल, तो स्वयं को समर्पित करो, अब जागने का समय आ गया है। ए हंसी करी हक ने फरामोशी की दे, धामधनी ने ये भ्रम की नींद डाल करके, भ्रम का आवरण डाल करके तो ये हंसी की है। क्यों कर विचारे आपन ए तरंग इश्क के, तो हम लोग ये विचार नहीं कर रहे हैं, सचमुच ये भी ऐसे प्रेम के एक तरंग है, ये राज्य हमें और ज़्यादा आनंदित करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक प्रेम का तरंग ही है। या थे देखो हक इश्क हे तप्रीत मेहरबाना, तो इस प्रकार से तुम इस बात को ध्यान दो, हक इश्क धामधनी के प्रेम को तुम समझ लो। हे तप्रीत मेहरबाना, वे तो प्रेम करने वाले हैं, बड़े प्रेमी हैं और कृपालु भी हैं, वो तुम्हें भुला करके एक बार तो दुखी होने का अनुभव करवा रहे हैं, किंतु तो उसके पीछे भी तुम्हें सुखी करने का ही है उनका इरादा है, ये कहना चाह रहे हैं। ए हकें करी ऐसी हाँसियाँ,
खोला आंखें दिल आना, अंतर की दृष्टि खोल करके तुम देखोगे तो पता चलेगा। रामधनी ये हास्य भी कर रहे हैं, अंतर दृष्टि खोल करके देखने से पता चलेगा कि रामधनी ये हास्य कर रहे हैं तो वास्तव में इसके पीछे भी उनका प्रेम छिपा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा हेत देखिया कका तो भी लगे न कलेजे घाय। तारतम ज्ञान से समझ आई तो धामधनी का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इतना प्रेम स्नेह ये देखने के बाद भी तुम्हारे हृदय में ये बात चुभ क्यों नहीं रही है। ऐसी रब रमुझे सुन के हाय हाय उड़ता नहीं अरवा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ऐसी रमुज, रमुज का मतलब हास्य विनोद, तो इसको सुनने और समझने के बाद में भी तुम अभी तक इस शरीर को, झूठे शरीर को पकड़ करके बैठे हुए हो तो ये तो बड़ी खेद की बात है। तुम अभी तक जागृत नहीं हुए, जागृत होने पर तो शरीर छूटे या न छूटे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शरीर छूटने का फर्क जीवों को होता है, ब्रह्मात्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको शरीर छूटे या न छूटे तो वो शरीर में रहते हुए भी जागृत हो जाती है तो उनका छूट गया ऐसा ही होता है, वो मुक्त ही होती है। ए सुख जरा यादना आवहे यादना एक ऐसा न। धामधनी जो सुख दिला रहे दे रहे चाह रहे हैं वो उसको तुम याद नहीं कर रहे हो और उनके एक एहसान को तुम भी तुम याद नहीं कर रहे हो, उनका एहसान उपकार। हक देत याद कई विदेशों हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान। धामधनी तो बार बार अनेक प्रयत्नों करके अनेक तरीके से तुम्हें ये सब याद दिला रहे हैं फिर भी तो तुम इतने ज़्यादा नींद में हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ना तो ऐसी मेरा इश्क सो हक करता आपन सो। तो अन्यथा धामधनी इस प्रकार की कृपा है ना, वो प्रेम से ही कर रहे हैं। हक करत आपन सो, वो अपनी अंगना समझ करके ब्रह्मात्माओं से ऐसा कर रहे हैं तो उनको कहीं दुखी करने का इरादा नहीं है। जगाए के पहचान शब्दई हाय हाय आवत न हो समो, कि जागृत करके हमें पहचान भी करवा दी, ज्ञान दे करके जागृत भी किया फिर भी अभी तक हम होश में नहीं आ रहे, हमें पूरा ख्याल ही नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लगता है और फिर भूल जाते। महामत कहे ए मोमिनो ये देखो हक की मेहर। तुम इसमें भी धामधनी की कृपा को देखो तो तुम जल्दी जागृत हो गए, ये कहना चाह रहे हैं। जो एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। धामधनी की एक उपकार को, धामधनी के किसी एक भी उपकार को तुम याद करोगे और समझ पाओगे ना धामधनी कैसे कृपा कर रहे हैं तो तुम्हें ये दुनिया है तो ये विश्वतुल्य लगेगी, तो इसके प्रति आकर्षण रहेगा ही नहीं, तो धनी के प्रति ही आकर्षण रहेगा तो ये तो दुनिया देखने के लिए है, बस इतनी समझ तुम्हें आ जाएगी, ये होश आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा तुम ध्यान दे करके करो देखोगे धामधनी की कृपा को तो तुम्हें ये सब समझ में आ जाए। तभी के प्रश्न को ये रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चौदे तबक लगे जहेरा महामत कहे मोमिनो, महामत कहे मोमिनो ये देखो हक की मेहर, ये देखो हक की मेहर। जो एक एहसान हक का लीजिए तो चौदे तबक लगे जहर, तो चौदे तबक लगे जहर।
खावा का लागे जहरा।